तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल और ये है मेरी आशियानी और ये है मेरे प्यार नन्ना सा बाबू। तो दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक आज मैंने एक जो है वीडियो देखा फेसबुक पे, उसमें एक जो टिकट इंस्पेक्टर होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, जो कि इंडियन रेलवे में टिकट TC होते हैं, वो एक लड़के से उसके साथ जो है मारपीट कर रहा है। उसके पास टिकट है चाहे नहीं है वो बात तो अलग है, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा किसी का भी हक नहीं है ये, किसी को भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है कि कोई इसको मारे। टिकट ना होने के टाइम उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। और दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप उस बात को कहिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए। भैया 35 साल से नौकरी है, अनुभव है। अरे आपको टिकट यहाँ तो देखना ना पहले। संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट ही है। 5 रुपया। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो में जैसा कि दिख रहा है टिकट मांगने पे वो लड़का जो भी है, लड़का बच्चा जो भी है, वो टिकट नहीं दे पाता है और उससे फाइन वसूला जाता है। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसने पहली हरकत, जो उसने गलत हरकत कर दी TT ने, कि उसने उस बच्चे का कान से पकड़ा और कान से घसीटा। क्या आपको इंडियन रेलवे, क्या आपको भारत सरकार यही राइट देता है कि आप किसी का कान पकड़ लें और खींचें? आप कौन हैं? आप कौन है, भगवान हैं? आप हैं कौन? हमारी टिकट के पैसे से तुम्हारी तनख्वाह बन रही है, हैं? तुम पब्लिक के लिए काम कर रहे हो और वैसे पब्लिक के संग ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे TT को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। मैं भी एक बार जा रहा था दोस्तों, एक बार की घटना है, मैं जा रहा था यहाँ से लखनऊ, तब एक TT आया, वो जैसे गांव के लोग थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, अनपढ़, 0/0 कुछ नहीं, तो उनके पास टिकट भी था। तो दिक्कत ये थी कि उनके पास 2-3 बच्चे लेके चल रहे थे वो लोग। एक दो बच्चे तो एकदम छोटे छोटे थे, लेकिन एक बच्चा उसमें से थोड़ा बड़ा था, उसका हाफ टिकट बना था जो कि उनने नहीं लिया था। तो जब उससे जो है बेमतलब का जुर्माना वसूल रहा था वो, और बिना रसीद के टिकट बनाया था उस बच्चे का, तो जब मैंने कहा, मैं बोला कि क्यों पैसा ले रहे हैं उनसे, हरदोई के पास की दोस्तों घटना है ये, तो वो बोला कि तुमको क्या है, हैं? जब मेरे को देखा कि मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, तो बोला तुम मेरे को ऐसे करके धक्का देने लगा मेरे को। मैं बोला हाथ मत लगा, छूना मत मेरे को, इतना मोटा तो मानने लगा क्या, अभी तेरे को फेंक देता हूँ ट्रेन, मेरे को बोला। तो मैं अच्छा ठीक है फेंक के दिखाऊँ, जा। तो एक और TT को बुला लिया। दोस्तों ये TT जो है एक नंबर की गुंडे होते हैं, आजकल इन लोगों ने पेशा बना लिया है कि अनपढ़ लोगों को टारगेट करना है ना, एकदम गुंडई राज बना लिया है इन लोगों ने ट्रेन को। ये क्या समझते हैं कि जो पैसेंजर है वो क्या पागल है, वो क्या भीड़ बकरी है, हैं? आप किसी को भी मार लेंगे। अरे कोई टिकट नहीं है, आप उसे जुर्माना लीजिए, नहीं मिले तो उसको जेल में डाल दीजिए, जो रेलवे एक्ट के तहत होता है कानून वो कीजिए। लेकिन ये क्या मतलब है, तुम उसको कान पकड़ लोगे, उसको मार दोगे, ये क्या मतलब है? पैसे का इतना भूख है? जब मैंने ये बात, दोस्तों मेरे सामने की बात है, मेरे संग ये खुद घटना हो चुकी है, मेरे को धमकी दी गई TT के द्वारा, और जब रेलवे हेल्पलाइन मैंने कंप्लेन किया, ये बात हो गया दो साल हो गया होगा, जब मैंने रेलवे हेल्पलाइन पे कंप्लेन किया तो कंप्लेन पे बात हुई, आश्वासन दिया गया कि TT के विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को मामले को दबाने के लिए और TTO को भेजा गया कि आप छोड़ दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये लोग की सांठ गांठ रहती है दोस्तों, और ये लोग जो हैं काफ़ी, मतलब आप अगर उनके सामने सीधे बन गए, आपने ढिलाई दिखा दी, तो आपको ये लोग जो है नोच खाएंगे। इसलिए सतर्क रहिए, अपना टिकट जो है सही से लेके चलिए, अपने ID लेके चलिए, कि ऐसे लोगों के सामने आपको निराश ना होना पड़े। आप एकदम अपने आप से एकदम तत्पर रहिए, एक्टिव रहिए कि कोई हमसे गलती ना हो। आप इनकी गलती पकड़िए, इनकी 100 गलतियाँ निकालिए आप, लेकिन आपसे कोई गलती ना हो, आप अपनी तरफ से सही रहिए दोस्तों, कि ताकि ऐसे लोग आपकी उंगली ना उठा सकें, है ना। मुझे बहुत ख़राब लगा, ये एक छोटा सा स्टूडेंट ही लग रहा है, बच्चा ही है, कोई बड़ा भी नहीं है, काम पकड़ के खींच रहे हो। अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट हो जाए तो तुम्हारा हिम्मत नहीं कि तुम इनको हाथ लगा सको। अकेला बच्चा समझ के किसी को मारना ये गलत बात है, है ना। कानूनन आपके खिलाफ जो है, आपके खिलाफ जो है जुर्म है, केस होना चाहिए ऐसे ऐसे TT के खिलाफ। अभी ये बरेली में हुआ था, याद है, पुलिस उसको धक्का दी, पैर उसका कट गया था। अभी दोस्तों बरेली की घटना है,
जब एक टीटी ने एक आदमी की जवान को ट्रेन से धक्का दे दिया था, वो क्या बोलते राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ गए थे, भारतीय सेना के जवान, उनको धक्का दे दिया था और दुर्भाग्य से उनके दोनों पैर कट गए थे और फिर दोनों पैर कटे यहाँ बहेली मिलिट्री हॉस्पिटल गए, लेकिन उनकी जान को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह गया था, गैंग्रीन हो गया था पैर में, तो पैर जो ख़राब हो गए, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, वो फाइनली उनकी डेथ हो गई दोस्तों, और वो टीटी जो है फरार हो गया। तो टीटी लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं ट्रेन में, इनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए, रेलवे इनके खिलाफ़ एक्शन करें, इनकी शक्ल जो है सामने सामने दिखाई दे रही है, और क्या चाहिए आपको, और क्या सबूत चाहते हैं आप लोग। तो ऐसे टीटी के खिलाफ़ फ़ौरन एक्शन होना चाहिए, रेलवे इस मामले को गंभीरता से ले। तो दोस्तों इस वीडियो में यही कहना था कि हमारे पैसे का, हमारे टिकट के पैसे का खा रहे हो और हमें उल्टा सीधा बोल रहे हो, पैसेंजर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप लोग, ये बहुत गलत बात है और रेलवे को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।